तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे BA6 सेमेस्टर के सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। जिन जिन भी स्टूडेंट की परीक्षा सोशियोलॉजी की लगी है और वो प्रथम प्रश्न पत्र यानी फर्स्ट पेपर की परीक्षा देने वाले हैं और वो BA6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। तो वीडियो को कम्प्लीट देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्रूफ के तौर पर देख ही सकते हैं BA तृतीय वर्ष यानी कि BA 3rd ईयर और सेमेस्टर आपका कितना है, 6th सेमेस्टर है, ठीक है। और सब्जेक्ट आपका समाजशास्त्र है और ये प्रथम प्रश्न पत्र यानी फर्स्ट पेपर है। और क्योंकि आप सभी मालूम कि 6th सेमेस्टर में आप पर सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होते हैं, तो ये फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है भारतीय समाज के अग्रणी शास्त्री। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन आंसर पे और काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है, वीडियो पूरी देखेंगे और आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। एग्जाम में पहला प्रश्न है कि डॉक्टर मुखर्जी के सामाजिक मूल्य को स्पष्ट कीजिए। तो डॉक्टर मुखर्जी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जानते हैं डॉक्टर मुखर्जी से संबंधित इनके बारे में। तो डॉक्टर मुखर्जी जी, यह मान्यता है कि संपूर्ण सामाजिक संगठन और व्यवस्था का आधार मूल्य है। तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर मुखर्जी जी कहते हैं कि यह मान्यता है, मतलब कि ये लोग जानते हैं, ये रीति रिवाज है कि संपूर्ण सामाजिक संगठन यानी कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं और वो व्यवस्था हैं, ठीक है, इनका जो आधार है वो है मूल्य, ठीक है, किसी चीज़ की वैल्यू। उन्होंने व्यक्ति मूल्य और समाज का पारस्परिक संबंध माना है, ठीक है, और उन्हीं के पारस्परिक आदान प्रदान से व्यक्ति के पूर्ण बनने की बात कही गई है, ठीक है। उनका यह विचार है कि ऐसी स्थिति में वह छिन्न भिन्न अंग या टुकड़ा ना ही रह जाता, ठीक है, छिन्न भिन्न अंग या टुकड़ा नहीं रह जाता है, व्यक्ति एक समय में एक साथ ही अपने साथी व्यक्ति से एकात्मक खोजता है, एकात्मकता खोजता है और दूसरी और उसी साथी व्यक्ति व्यक्ति से स्वयं को पृथक रूप में खोजता है। वह एक समय में एक अंग भी है और एक समग्र भी है, वह व्यक्ति भी है और समष्टि भी है, ठीक है। तो राधा कमल मुखर्जी जी से जुड़ा क्वेश्चन कोई ना कोई एक पक्का आएगा, ध्यान रखेंगे। और अब जान लेते हैं इनके परिचय के बारे में। तो मुखर्जी का पूरा नाम जो है, डॉक्टर मुखर्जी का पूरा नाम है राधा कमल मुखर्जी। और इनका जन्म कहाँ वहाँ पर हुआ, कब हुआ था, उसके बारे में जानते हैं। राधा कमल मुखर्जी का जन्म है 7 दिसंबर 1889 को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बरहामपुर में बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बरहामपुर पश्चिम बंगाल में ग्रामीण परिवेश का एक कस्बा था। उनके पिता नामी वकील थे, साथ ही वे बड़े विद्वान भी थे। कौन? राधा कमल यानी मुखर्जी जी के पिताजी। और राधा कमल मुखर्जी जी की यानी मुखर्जी जी की, डॉक्टर मुखर्जी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, कुछ प्रमुख रचनाएं यानी कृतियाँ हैं जिन्होंने लिखा है, ठीक है, बुक लिखी हैं, जिसमें से पहले यहाँ पर इन्होंने लिखी है, का नाम है सोशियोलॉजी एंड माइस्टिज्म, जो कि 1931 में, ठीक है, लिखी है इन्होंने। और द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, जो कि 1916 में लिखी है। द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जो कि 1926 में लिखी है। और रीजनल सोशियोलॉजी, जो कि 1926 में लिखी है। और जो इन्होंने पांचवी अपनी रचना लिखी है, बुक लिखी, जिसका नाम है द लैंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, 1927 में। तो इन्होंने ये रचनाएँ रची हैं, ठीक है, और किस वर्ष लिखी हैं उसके बारे में भी यहाँ पर सन पढ़ा, जो कि आपको ध्यान रखना है। अगला कि करबे की किस पुस्तक में, करबे एक प्रमुख विद्वान समाजशास्त्री हैं, और इनकी किस पुस्तक पे भारतीय समाज की संरचना का चित्रण है और इसका प्रकाशन कब हुआ था। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया सोसाइटी में 1553 में इसका प्रकाशन हुआ। मतलब कि करबे जी की प्रमुख पुस्तक जिसका नाम है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया सोसाइटी, इसमें भारतीय समाज की संरचना का चित्रण किया गया है। और ये जो रचना इनकी है, पुस्तक है, ये 1953 में प्रकाशित हुई थी, जैसे रिलीज बोलते, जैसे मूवी रिलीज होती वैसे प्रकाशित हुई। तो इस प्रकार परिचय लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रभु जात की अवधारणा को संक्षेप में बताइए। तो ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कभी कदार आने वाला है, तो आपकी इच्छा है तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि SC दुबे का परिचय दीजिए। ये महत्वपूर्ण है, ये कई बार आ चुका है। तो SC दुबे का पूरा जो नाम है वो है श्याम चरण दुबे,
और इनके बारे में परिचय लिखते हैं। इनका जो समय सीमा रहा है वो 1922 में जन्म हुआ और 1996 में इनका देहावसान हो गया। भारत की सुप्रसिद्ध मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, ठीक है, अफन रचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के आधार पर गांव के अध्ययन ने उन्हें काफ़ी प्रतिष्ठा दी। यद्यपि वे भारतीय गांव के अर्ध स्वायत्त इकाई मानते थे, पर वे गांव अस्थायी, समयहीन और परिवर्तनहीन नहीं है। उनका मानना है कि विश्वास करना कठिन है कि एक गांव सारे ग्रामीण भारत के परिवेश को स्पष्ट कर सकता है। उन्होंने समीर पेट का अध्ययन गांव की सामाजिक, सांस्कृतिक, सांसारिक संरचना तथा परिवार स्तर पर जीवन का अध्ययन किया। मतलब गांव में रहकर समाज, रीति रिवाज, कल्चर, इन सब चीज़ के बारे में अध्ययन किया। तो कभी कदार, मतलब कि कई बार इस बार पहली बार तो सिक्स सेमेस्टर लागू हुआ, लेकिन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे पहले जब वार्षिक प्रणाली चलती थी तो उसमें भी भाई कुछ ना कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, पिछले ईयरली से, तो उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए इस दुबे के बारे में आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि किस विद्वान ने सांस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणा के द्वारा आधुनिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या की है। तो उस प्रमुख विद्वान का नाम है M.N. श्रीनिवास, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला है कि पश्चिमीकरण की विशेषताएं बताइए। तो पश्चिमीकरण की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें से नंबर एक पे है तटस्थता प्रक्रिया के रूप में, चेतना एवं अचेतना प्रभाव, और चौथा है संस्कृत को प्रभावित करती है, और पांचवा है एक व्यापक अवधारणा, छः नंबर पे है पश्चिमीकरण का, ठीक, पश्चिमीकरण एक विचारधारा है। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं पश्चिमीकरण की, जिनको आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, एक ही बार कोई प्रश्न का उत्तर पढ़ने से, एक ही बार तैयारी करने से आपको हर क्वेश्चन का उत्तर रट नहीं जाएगा। कम से कम 2 से 3 बार वो वीडियो को देखेंगे, उस प्रश्न का उत्तर पढ़ेंगे, तभी समझ में आएगा, ठीक है। ओके, वरना एक ही बार में अगर पढ़ने से, तैयार करने से सब आ जाता तो 1 साल का, 6 महीने का कोर्स ना होता, 1 हफ्ते का ही होता, उसी में आप तैयारी कर लेते, पेपर भी देने चले जाते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में हमेशा रखना, चाहे जो भी आपका एग्ज़ाम हो। अगला प्रश्न है कि परंपरा का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो परंपरा को अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, ट्रेडिशन कहते हैं, जो लैटिन शब्द ट्रेडर्स से बना है, जिसका अर्थ है हस्तांतरित करना। स्पष्ट है कि ऐतिहासिक रूप से जो सांस्कृतिक विशेषताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होकर कायम रहती हैं, उन्हें परंपरा कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गई परंपरा, और जिसको रीति रिवाज भी बोलते हैं। और अगला प्रश्न इसी में, परंपरागत विशेषताएँ मतलब कि परिभाषाएँ बताइए। तो एक परिभाषा जो है वो प्रमुख समाजशास्त्री विद्वान फेयरचाइल्ड के अनुसार है। इन्होंने कहा, परंपरा मुख्य रूप से विचार करने और महसूस करने का तरीका है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाती है परंपरा, रीति रिवाज, ठीक है। बहुत सारे फैमिली होते हैं जिसमें रीति रिवाज ये होती है कि हर साल, ठीक है, वो कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं, हर साल वो कथा सुनते हैं, हर साल भागवत करते हैं, हर साल कहीं टूर पे जाते हैं, हर साल उनके यहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। तो हर एक पीढ़ी के लोगों के अलग अलग अपनी रीति रिवाज थी, ठीक है। तो वही चीज़ पहले आपके पूर्वज लोग करते थे, वही आप लोग कर रहे हैं, वही चीज़ आप भी कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा परंपरा, ठीक है। तो यही बोला जाता है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है, ठीक है। और अगली जो परिभाषा वो है गिन्सबर्ग के अनुसार, इन्होंने कहा कि परंपरा का अर्थ उन सभी विचारों और आदतों और प्रथाओं के योग से है, जो एक समूह की विशेषता होती है, दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है, ठीक है। तो ये 2 परिभाषा लिखेंगे परंपरा की, ध्यान रखेंगे, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन। अगला, परंपरा से क्या तात्पर्य है, तो इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। परंपरा का तात्पर्य व्यवहार के अनेक ऐसे तरीकों, नियमों, आदतों, मूल्यों या जीवन शैली से होता है, जिन्हें संस्कृत का अंग मान लिया जाता है। परंपरा अनेक पीढ़ियों के संचित अनुभव से बनती है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये भी हेल्पफुल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसी में प्रस्तुत है कि डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने परंपरा को कब और किस पुस्तक में बताया है।
तो डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने, ठीक है, इन्होंने बताया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ट्रेडिशन 1973 में परंपरा व्याख्या की है, तो ध्यान रखेंगे। अगला कि राधा कमल मुखर्जी समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष कब और कहाँ नियुक्त हुए थे? तो राधा कमल मुखर्जी समाजशास्त्र के जो विभाग के अध्यक्ष थे वो लखनऊ में हुए थे और सन 1921 में हुए थे, इस बात को ध्यान रखेंगे, 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है, इसमें प्रस्तुत है कि वर्ग की दो परिभाषा दीजिए, ठीक है, तो वर्ग के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो आर्गन और निमकोप के अनुसार सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों के समुच्चय को कहते हैं जिनकी किसी समाज में एक सादृश्य सामाजिक स्थिति हो, ठीक है। वहीं पर अगले विद्वान ने कहा वर्ग की परिभाषा में कि मैकावेर एवं पेज के अनुसार एक सामाजिक वर्ग सामाजिक स्थिति के आधार पर अन्य लोगों से पृथक किया गया समुदाय एक भाग है, ठीक है, तो इस, ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे वर्ग की परिभाषा। अगला कि वर्ग की विशेषताएँ कुछ हैं, समान स्थिति, भावनात्मक जुड़ाव, पक्ष, ठीक है, वर्ग पक्षधर, शक्तिशाली संगठन, ऊंच नीच की भावना, धन का महत्व, वर्गों में खुलापन, वर्ग भिन्नता, वर्ग की पहचान, इसी तरह बहुत सारी वर्ग की विशेषताएं प्रस्तुत है जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी हेल्पफुल है। अगला कि जात एवं वर्ग में डिफरेंस बताइए, काफ़ी टॉप लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस लिखेंगे कि जाति व जाति का आधार जन्म है, ठीक है, और अगला है कि जाति वर्ग है जबकि वर्ग में स्वतंत्रता है, और अगला है कि जात प्रथा में व्यवसाय पैतृक हैं जबकि वर्ग में नहीं, ठीक है, पूर्वज लोग पैतृक, ठीक है। तो अगला इसी में अंतर है कि जात प्रथा में अधिक प्रतिबंध है जबकि वर्ग में नहीं है, और अगली है जात एवं वर्ग की सदस्यता को प्राप्त करने में भी अंतर है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे जात एवं वर्ग में डिफरेंस, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है भी है। अगला प्रश्न है कि जात का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो सिंपल सच का अर्थ लिख लीजिएगा, पुर्तगाली भाषा कास्ट से बना है जिसका अर्थ है नस्ल, प्रजाति, एक भेद, ठीक है, एक भेद है। प्रोफेसर वाडिया का मत है कि यह लैटिन भाषा कस्टस, ठीक है, कस्टस के अधिक निकट है जिसका अर्थ विशुद्ध होता है। अगला कि रिजले द्वारा जात की क्या परिभाषा दी गई है, ठीक है, तो इसको अपने अनुसार पढ़ लीजिएगा, हालांकि बहुत कम आता है। अगला क्वेश्चन है कि जात एक बंद वर्ग है, इस किसका कथन है, तो ये जो कथन है वो मजूमदार एवं मदान का, ठीक है, ठीक है, तो ये जो है जातिक बंद वर्ग है, ये मजूमदार एवं मादान का ये पंक्ति है, लाइन है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि जी एस गुरिया की दो पुस्तकों के नाम लिखिए, पहला कल्चर एंड सोसाइटी, दूसरा कास्ट क्राफ्ट एंड एक्यूपेशन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर जी एफ गुरिया का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो डॉक्टर जी एफ गुरिया का जन्म 12 दिसंबर 1893 महाराष्ट्र में, ठीक है, मालोगढ़ गाँव में हुआ था। अगला है कि डॉक्टर जी एच गुरिया की जात व्यवस्था की विशेषताएँ बताइए, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा इसकी प्रमुख विशेषताएँ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न इसी में है कि जात व्यवस्था में परिवर्तन को किन बिंदुओं द्वारा जान सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, जिसको आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। और आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो उसमें तीन प्रकार के प्रश्न आएंगे, अति लघु उत्तर, लघु उत्तर, दीर्घ उत्तर, ठीक है, तो आपको वही बताया जाएगा कितने क्वेश्चन, मतलब कितने प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें लिखा रहेगा कि भाई आप इतने 100 शब्दों में लिखिए, 400 शब्दों में लिखिए, 150 शब्दों में लिखिए, उसमें आप लिखा रहेगा, तो उतने शब्दों में आप प्रति प्रश्न का उत्तर देना है। और यदि आपको ये पूरी की पूरी PDF चाहिए तो इसके लिए आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, कष्ट ये कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, तो आप जैसे टेलीग्राम व्हाट्सएप से लिंक होंगे, लिंक होने के बाद ग्रुप में जाएंगे, वहाँ पर आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें मान लीजिए कि आपको, ठीक है, कोई भी आप ले सकते कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं कि हमें सर BA जो BA है, ठीक है, इसके जो
आपका ये सोशोलॉजी है बी 6 सेमेस्टर सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर की जो पीडीएफ सेंड कर दीजिए तो आपको तुरंत के तुरंत सेंड कर देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं कौन नए वीडियो के साथ, जब तक लीजिए हिंद। ये आपका अपना ही चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।